अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राना अफरा। रिपोर्ट शुरू करते हैं जी। पेशेंट का नाम है जी इरम आसिफ और उसकी एग्जामिनेशन डेट है जी 13 अप्रैल 2022। ओब्स अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन यानी कि ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन यानी कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसके अल्ट्रासाउंड को बोलते हैं ओब्स अल्ट्रासाउंड या ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ISUOG प्रोटोकॉल 2010 यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ अल्ट्रासाउंड ने जो असूल इंट्रोड्यूस करवाए थे, जो असूल मुतारफ़ करवाए थे 2010 में, उसके मुताबिक ही तमाम तरह अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। सिंगल अलाइव फीटस यानी कि माँ के पेट में जो बच्चा है वो जिंदा है और एक है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे दो हैं, बच्चा एक है, सिंगल है। फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट इज़ 135 पर मिनट यानी कि बच्चे का जो दिल है वो 135 दफ़ा धड़क रहा है एक मिनट में। दी रिदम इज़ नॉर्मल यानी कि बच्चे के दिल की धड़कन बिल्कुल ठीक है। गेस्टेशन पैरामीटर्स हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, बाकी रिपोर्ट पहले डिस्कस करेंगे। ब्रीच प्रेजेंटेशन एट टाइम ऑफ स्कैन, ब्रीच प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है कि जी जो बच्चे का सर है वो टुवर्ड द मदर हेड है और बच्चे की जो टांगे हैं टुवर्ड द इंटरनल ऑस है, बच्चे दाने के मुंह की जानिब है। ये पोजीशन जो है वो उल्टी होती है, इस पोजीशन को उल्टा कहा जाता है। आपको मैं एक दफ़ा रियल टाइम इमेज पे समझा देती हूँ कि इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा ये देखें, ये है जी माँ का पेट और ये है जी बच्चा अंदर, ठीक है। और ये है जी इसकी जो सर है टुवर्ड द मदर हेड है और इसकी जो टांगे हैं टुवर्ड द इंटरनल ऑस हैं, बच्चे दाने के मुंह की जानिब है, जो कि उल्टी पोजीशन है। होना क्या चाहिए था, बच्चे की जो सर है वो यहाँ पे होना चाहिए था और बच्चे की जो टांगे हैं वो यहाँ पे, ठीक है। तो ये पोजीशन ठीक नहीं होती। अच्छा लॉन्गिट्यूडनल लाई, लॉन्गिट्यूडनल लाई एट टाइम ऑफ स्कैन, लॉन्गिट्यूडनल लाई के लाई जो होता है वो बेसिकली क्या शो करता है, स्पाइनल रिलेशन बिटवीन इंटरनल ऑस एंड फीटस, ठीक है। यानी कि रीढ़ की हड्डी का माँ की बच्चेदानी के मुंह से क्या रिलेशन है, ठीक है। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाई जो होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। लाइकर इज़ एडिक्वेट एट अपर नॉर्मल लिमिट, वो कहते हैं लाइकर यानी कि बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी होता है जिससे बच्चा खुराक लेता है, वो कह रहे हैं एक अपनी एक नॉर्मल लिमिट से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। द लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट इज़ 7.1 सेंटीमीटर यानी कि उसने एक बड़ी पॉकेट, चार पॉकेट्स होती हैं चारों कोनों में, चार पॉकेट्स होती हैं, उसने एक पॉकेट को मेजर किया तो वो कहता है लार्जेस्ट जो उसने मेजर किया है वो 7.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इज पोस्टोफंडल, पोस्टोफंडल ये नहीं आना था, ठीक है। लाइकर सॉरी प्लेसेंटा इज पोस्टोफंडल, नो प्रीविया, मैच्योरिटी ग्रेड इज 1। फंडल जो प्लेसेंटा होता है वो बिल्कुल ठीक होता है, फंडल मतलब प्लेसेंटा की लोकलाइजेशन यानी कि प्लेसेंटा की लोकेशन बिल्कुल ठीक है, प्लेसेंटा जो है वो आवल जो है वो बिल्कुल ठीक पोजीशन पे पड़ी है। जैसे कि दिखाती हूँ मैं आपको, ये है जी माँ का पेट, ठीक है, और ये है जी प्लेसेंटा पोस्टीरियर और ये है जी प्लेसेंटा एंटीरियर, ठीक है। अगर ये देखिए, ये माँ का पेट है और ये प्लेसेंटा है, ठीक है, यानी कि ऊपरी जानिब है, और ये है जी माँ का इधर, ये है जी माँ का पेट और इधर है जी प्लेसेंटा यानी कि निचली जानिब है। तो प्लेसेंटा जो है वो इस पेशेंट का, जो मैं पेशेंट आपके साथ डिस्कस करने जा कर रही हूँ, इसका प्लेसेंटा क्या है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके है, ठीक है। तो फंडल जो होता है प्लेसेंटा वो बहुत अच्छा होता है। और एनाटॉमिक सर्वे, एनाटॉमिक सर्वे में क्या कहता है, नो इंट्राक्रेनियल अनोमली यानी कि बच्चे के सर में किसी किस्म की कोई अनोमली नहीं है, किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है।
एट्रियम इज़ यानी कि बच्चे के सर में जो अल्लाह पाक की तरफ से पानी होता है, बच्चे के सर में जो बच्चे को खुराक देता है, ठीक है, बच्चे के सर को खुराक देते हैं। ये एक नॉर्मल हद तक हो तो हम कहते हैं कि जी जैसे कि 10 mm तक हो तो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर 10 mm से ये अबव हो जाए, 10 mm को क्रॉस कर जाए, तो हम कहते हैं कि जी मसला है, यानी कि बच्चे जो है वो बच्चे के सर में जो है वो हाइड्रोकेफलस हो गया है, बच्चे के सर में पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो इसको अनोमली में फिर गिना जाएगा। पोस्टीरियर वॉल सॉरी पोस्टीरियर फोसा यानी कि एट्रियम के साथ होता है जी, बच्चे के सर में जो इंट्राक्रेनियल एनोमली को डिफाइन करता है वो पोस्टीरियर फोसा भी होता है। पोस्टीरियर फोसा वो भी कहता है बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या होता है जी, हराम मगज, ठीक है, हराम मगज, बच्चे के सर में जो हराम मगज है उसकी उसने उसको डिफाइन किया है, कहता तो वो भी बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल CSP, CC एंड फोर्निक्स यानी कि तमाम तमाम तरह इंट्राक्रेनियल जो वेंट्रिकल्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है बोथ किडनीज यानी कि दोनों गुर्दे, बच्चे के दोनों गुर्दे, लेफ्ट किडनी के साइज़ उसने दे दिया, फिर उसने राइट किडनी का साइज़ दे दिया है, ठीक है, दोनों किडनी के साइज़ बिल्कुल ठीक हैं। फिर वो कहता है यूबी यानी कि बच्चे का मसाना, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, बच्चे का मसाना एट स्टमक वोबल यानी कि बच्चे का मैदा जो है वो सी नॉर्मल यानी कि दोनों किडनीज, मसाना और मैदा जो है बच्चे का बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल स्पाइन यानी कि बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल ठीक है। इंटैक्ट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल यानी कि इंटैक्ट क्या होता है कि जी बच्चे की जो पेट में है वो किसी किस्म का हर्निया वगैरह नहीं है, किसी किस्म का डिफेक्ट नहीं है, किसी किस्म का स्पाइना बिफिडा वगैरह नहीं है। फिर वो कहते हैं अच्छा, फिर वो इसमें गेस्टेशन पैरामीटर डिस्कस कर लेते हैं जी। BPD यानी कि बाइपेरिटल डायमीटर, ठीक है, 53 mm, इस पे उसने 22 हफ्ते 2 दिन दिए हैं। और इस पे FL यानी कि फीमेल लेंथ यानी कि बच्चे की जो थाई बोन से जो हड्डी निकलती है उसको कहते हैं फीमेल लेंथ, उसने दिया है 34 mm, और इस पे दिया है जी 20 हफ्ते 4 दिन, ठीक है। AC यानी कि एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस यानी कि बच्चे के पेट का पेट की उसने मेजरमेंट की है, ठीक है, उसको उसने किया 151 mm एंड इस पे 20 weeks 2 days, ठीक है। HC मतलब कि हेड सर्कमफ्रेंस यानी कि बच्चे के सर का सर पूरे सर को मापा जाता है इसमें, और वो कहता है कि जी 196 mm एंड इस पे वीक्स बने हैं 21 weeks 5 days, ठीक है। और EFW, EFW मतलब कि बच्चे का जो टोटल वेट, तमाम तर बायोमेट्रिक्स लेने के बाद बच्चे का जो वेट निकला है वो 364 ग्राम है। गेस्टेशनल एज, वो कहता है गेस्टेशनल एज यानी कि बच्चे की जो इन तमाम को मेजरमेंट करके, तमाम चीज़ों के मेजरमेंट करके जो उसके पास टोटल एज आई है, ठीक है, टोटल एज जो आई है वो कहता है कि जी वो है जी 21 हफ्ते 4 दिन, ठीक है। फिर वो कहता है जी EDD, EDD मतलब एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग यानी कि अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स के मुताबिक जो है वो एक्सपेक्टेड डेट क्या है, डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, वो कहता है 20/8/2022, ठीक है। और फिर वो LMP, EDD अकॉर्डिंग टू LMP इज़ 12/7/2022, ठीक है। अच्छा, फिर वो आगे डिस्कस करता है जी कमेंट्स में, वो कहते हैं लाइकर इज़ एडिक्वेट एट लो नॉर्मल लिमिट यानी कि बच्चे का जो इर्द गिर्द पानी होता है वो इसकी नॉर्मल हद से थोड़ा सा ज़्यादा है। और वो कहता है फॉलोअप रिक्वेस्टेड, वो कहता है कि जी अब आप मतलब दोबारा अल्ट्रासाउंड करवा के देखें, कुछ अरसे बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करवा के देखें कि आया कि पानी जो है वो मज़ीद ज़्यादा तो नहीं हो रहा। फिर उसने बता दिया कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है यानी कि जो बच्चे की प्रेजेंटेशन है वो उल्टी है, बच्चे की जो जो पोजीशन है वो उल्टी है। फिर उसने साथ ही डिस्कस कर दिया कि लाइकर जो है वो एट अपर नॉर्मल लिमिट पे है यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बच्चे में किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है। वो कहते हैं नो ग्रोस फिटल प्लेसेंटल अनोमली सीन एट टाइम ऑफ स्कैन, मतलब जब वो उसने स्कैन किया है
किस बच्चे में किसी किस्म का कोई फॉल्ट, किसी किस्म की कोई अनोमली उसे नज़र नहीं आई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक और बात के, अगर आप अपनी कोई भी रिपोर्ट मेरे साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर है, वहाँ पर जाके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और एक और बात, अगर आउट ऑफ कंट्रीज़, यानी कि मैं तो पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, अगर आउट ऑफ कंट्रीज़ मुझे रब्ता करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम मेरी आईडी है, वहाँ पे जा जाकर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक आईडी है, आप वहाँ पे जाकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।